हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी अदिश क्षेत्र की प्रवणता की। आज अपन बात करेंगे सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की। ठीक है, तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब अपसरण। मैं एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूं यहां पर, उसके अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन देंगे। डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर लिमिट डीवी टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर अपॉन डी। ये बंद पृष्ठ है और इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर है। ये क्या है बच्चों? फ्लक्सी है, मतलब फाई है। ठीक है, तो phi अपॉन डी, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता हूं। तो सबसे पहले अपन परिभाषा देंगे सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या है। ठीक से सुनना, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या है? सदिश क्षेत्र में स्थित किसी आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है और ये एक अदिश राशि है। क्यों बच्चों? डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस ए वेक्टर का डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डेल वेक्टर क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप। तो दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अदिश होता है। इसलिए सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो क्या है? एक अदिश राशि है। तो मैं यहां पर बात करूं सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की, तो क्या है? किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। और ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इसके अकॉर्डिंग अपन आगे की बात करेंगे भी। फर्स्ट टाइम ये पढ़ा अपन, नहीं पढ़ा होगा, हमें याद नहीं है ना। ठीक है, मैं इसको यूवन अक्ष कह देता हूं, मैं इसको U2 अक्ष कह देता हूं, और मैं इसको U3 अक्ष कह देता हूं। ठीक है बच्चों, ये O मान लेता हूं मैं, और ये A B C D, और ये E, ये F और ये G। ये सदिश क्षेत्र A वेक्टर है, इसके U1 दिशा में जो घटक है वो क्या है? A1, और U2 दिशा में जो घटक है इसका, मैं इधर लिख देता हूं, ये A1 है और ये क्या है? A2 है, और इधर क्या है? A3 है। ये जो लंबाई है U1 दिशा में, ये कितनी है? H1 DU1, और ये कितनी है U2 में? यहां लिखता हूं मैं H2 DU2, और ये कितनी है? H3 DU3। ठीक है, देखना बच्चों, चित्र में एक सदिश बंद पृष्ठ को दर्शाया गया है जिसके U1, U2, U3 अक्षों के अनुदिश घटक क्या हैं? A1, A2 और A3 है। तब इसका आयतन कितना होगा? DV बराबर कितना होगा? DV बराबर, देखो आयतन H1 DU1 H2 DU2 H3 DU3, तो DV बराबर कितना? H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या आ गया अपने पास? आयतन आ गया। ठीक है, अब देखो OEFG पृष्ठ से प्रवेशित फ्लक्स,
सुनो, मुझे क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। मेरे पास आयतन आ गया डी, अब मुझे क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालू मैं, टोटल फ्लक्स, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूवन दिशा के अनुदिश परिणामी फ्लक्स निकाल देता हूँ। तो यूवन दिशा के अनुदिश जब मैं परिणामी फ्लक्स निकालूंगा तो सबसे पहले ओ ई एफ जी प्रश्न से तो क्या होगा, वो प्रवेशित होगा, और इस आगे वाले प्रश्न से क्या होगा, वो निर्गत होगा। तो मैं क्या करूंगा, परिणामी फ्लक्स निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा, परिणामी फ्लक्स। तो यूवन दिशा में परिणामी फ्लक्स आ जाएगा, इसी प्रकार यू टू में निकाल लेंगे और यू थ्री में निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ओ ई एफ जी प्रश्न से प्रवेशित फ्लक्स क्या होगा, उसको मैं नाम दे देता हूं फाइव वन डैश कर देता हूं। क्या कहता हूं, फाइव वन डैश कर देता हूं। और फ्लक्स क्या होता है, ए इंटू डी है। तो इस दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक क्या है, ए वन है, और डी ए, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो ओ ई एफ जी प्रश्न का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये तो एस टू डी टू और ये एस थ्री डी थ्री, तो ये एस टू डी यू टू और ये एस थ्री डी यू थ्री, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी प्रश्न से निर्गत फ्लक्स यदि ये ओ ई एफ जी पृष्ठ से कितनी h1 du1 दूरी पर स्थित हो। क्या कह रहा हूं मैं कि a b c d इस पृष्ठ से क्या निकालना है, निर्गत फ्लक्स निकालना है अपन को, यदि ये ओ ई एफ जी मतलब पीछे वाली पृष्ठ से कितनी h1 du1 दूरी पर स्थित हो। तो उसको क्या कहता हूं मैं, फाइव वन डबल डैश कहता हूं। तो क्या होगा, ये पीछे वाली पृष्ठ का जो फ्लक्स है वो तो होगा ही होगा, दैट मीन्स फाइव वन तो फाइव वन डैश होगा ही होगा, और इस वाले फ्लक्स में इस h1 du1 दूरी के सापेक्ष कितना परिवर्तन आ रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, डेल फाइव वन डैश अपॉन h1 डेल u1 इंटू h1 du1। तो ये h1 तो कैंसिल हो गया, तो क्या आया अपने पास, फाइव वन डबल डैश बराबर क्या, फाइव वन डैश प्लस डेल फाइव वन डैश अपॉन डेल u1 इंटू du1, इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, अब ध्यान देना, मेरे पास क्या आ गया, निर्गत फ्लक्स आ गया, प्रवेशित फ्लक्स आ गया, तो मैं क्या निकाल लू, u1 दिशा के अनुदिश परिणामी फ्लक्स, क्या निकाल लू, u1 दिशा के अनुदिश में परिणामी फ्लक्स निकाल लेता हूं, तो कितना होगा, उसको मैं नाम दे देता हूं फाइव, उस फ्लक्स को क्या नाम देता हूं मैं, फाइव। तो फाइव वन क्या होता है, वही निर्गत फ्लक्स माइनस प्रवेशित फ्लक्स, तो निर्गत फ्लक्स कितना है, फाइव वन डबल डैश माइनस फाइव वन डैश, इक्वेशन नंबर फाइव। फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, फाइव वन डबल डैश ये रही, और फाइव वन डैश कौन सी है, तीन है अपने पास, तो तीन चार और पांच। ठीक है, वैल्यू पुट करें अपन, क्या होगा, फाइव वन बराबर फाइव वन डबल डैश, फाइव वन डैश प्लस डेल फाइव वन अपॉन डेल यू वन इंटू डी यू वन माइनस फाइव वन डैश। ठीक है, अब यहां से देखना, फाइव वन डैश है, फाइव वन डैश कैंसिल, आप चाहो तो ये यहां पर देखो, निर्गत फ्लक्स माइनस फाइव प्रवेशित फ्लक्स थर्ड है, फोर ही कर दो, फोर एंड फाइव सॉरी, क्योंकि फाइव वन का मान अपन बाद में रख देंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहां से कितना आएगा, फाइव वन बराबर, फाइव वन बराबर डेल फाइव वन डैश अपॉन डेल यू वन इंटू डी यू वन, ये क्या आया मेरे पास, फाइव वन का मान आया, मैं इसको क्वेश्चन नंबर सिक्स के देता हूं। अब ये वैल्यू मैं यहां से फाइव वन का मान रख देता हूं इसमें, तो क्या आएगा अपने पास, देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं, फाइव वन बराबर क्या, डेल अपॉन डेल यू वन। ठीक है, फाइव वन डैश, फाइव वन डैश कितना है अपने पास, ए वन एच टू
SO3 DU2 S3 DU3 और इनटू क्या DU1 और ये DU1 इक्वेशन नंबर 7। ये मेरे पास क्या आ गया परिणामी फ्लक्स आ गया। क्या आ गया परिणामी फ्लक्स कौन सी दिशा में U1 दिशा के अंदर परिणामी फ्लक्स आ गया। ठीक है मैं इसको मिटाऊंगा इसके लिए वापस मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस अपन पढ़ रहे हैं। डायवर्जेंस का मतलब क्या होता है अपसरण होता है। ठीक है अब सुनो डेफिनेशन क्या है किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद प्रस्थ से निर्गत प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस कहलाता है और ये कैसी राशि है एक अदिश राशि है। मुझे क्या करना है आयतन निकालना है और इस पूरे बंद प्रस्थ से निर्गत फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका आयतन निकालता हूं तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि माना चित्रानुसार एक सदिश बंद प्रस्थ को चित्र में दर्शाया गया है जिसके U1, U2, U3 अक्षों के अनुदिश जो सदिश है वो क्या है या घटक है वो क्या है A1, A2, A3 है। क्या है A1, A2, A3 है। ठीक है अब इसका आयतन कितना हुआ DV बराबर H1 DU1 S2 DU2 S3 DU3 मतलब H1 S2 S3 DU1 DU2 DU3 इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये क्या है यूं कह सकते हो आप एक घनाकार आकृति है। तो यहां पर देखो पहले मैं क्या करना चाहता हूं इससे निर्गत कुल फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो पहले U1 दिशा के अनुदिश परिणामी फ्लक्स निकालना चाहता हूं। तो परिणामी फ्लक्स कैसे निकाले अपन ये जो पीछे वाली प्रस्थ है इससे फ्लक्स क्या होगा निर्गत प्रवेशित होगा और आगे वाली से क्या होगा निर्गत होगा। तो सबसे पहले पीछे वाली जो प्रस्थ है इससे क्या निकालते हैं अपन प्रवेशित फ्लक्स निकालते हैं। तो मैंने लिखा OEFG प्रस्थ से प्रवेशित फ्लक्स। प्रवेशित फ्लक्स क्या होता है इसको ϕ1 नाम दे दिया मैंने। तो फ्लक्स क्या होता है ADA। तो इस दिशा में U1 दिशा में घटक क्या है इसका A1 है। DA क्या है क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल कितना होगा S2 DU2 और ये S3 DU3। तो ये S2 DU2 और ये S3 DU3 इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है ABCD इस प्रश्न से निर्गत फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करें अपन देखो ABCD प्रश्न से निर्गत फ्लक्स यदि ये OEFG से कितनी दूरी पर H1 DU1 दूरी पर स्थित हो तो इसके लिए क्या करते हैं जो आपने प्रवेशित फ्लक्स निकाला पीछे वाला वो तो होगा ही होगा उस फ्लक्स के मान में H1 DU1 दूरी के सापेक्ष कितना परिवर्तन आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे डेल ϕ1 अपॉन H1 DU1 इनटू H1 DU1। तो H1 से H1 कैंसिल ϕ1 बराबर ϕ1 प्लस डेल ϕ1 अपॉन DU1 इनटू DU1। अब देखो अपने पास प्रवेशित फ्लक्स आ गया अपने पास निर्गत फ्लक्स आ गया तो अपन क्या करते हैं U1 दिशा के अनुदिश परिणामी फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो मैंने U1 दिशा के अनुदिश परिणामी फ्लक्स निकाला तो ϕ1 कितना ϕ1 माइनस ϕ1 वैल्यू पुट कर दी तो अपने पास क्या है ϕ1 बराबर डेल ϕ1 अपॉन डेल U1 इंटू DU1 और ϕ1 का मैंने मान रख दिया। इसी प्रकार मैं क्या करता हूं U2 दिशा के अनुदिश परिणामी फ्लक्स निकालता हूं और U3 दिशा के अनुदिश में परिणामी फ्लक्स निकालता हूं। ठीक है लिखता हूं मैं अभी एक एक बात को समझते जाइए आप लोग। देखो इसी प्रकार सिमिलरली मतलब इसी प्रकार U2 व U3 दिशा के अनुदेश परिणामी फ्लक्स क्या होगा देखो उसको ϕ2 कह देते हैं U2 दिशा के अनुदेश तो डेल अपॉन डेल U2 ध्यान देना यहां वन था तो यहां A1 तो यहां A2 यहां वन था तो यहां 2 और 3 वाले आ रहे थे यहां 2 है तो फिर क्या आएंगे 2 को छोड़ दे मतलब H1 DU1 और S3 DU3 वाले आएंगे और ये U1 है तो यहां U1 आ रहा है तो यहां DU2 आएगा। इक्वेशन नंबर 8
इसी प्रकार फाइव थ्री बराबर डेल अपॉन डेल यू थ्री, यहां ए थ्री, थ्री को छोड़ दें तो क्या बचा एच वन डी यू वन और एच टू डी यू और ये डी यू थ्री। इक्वेशन नंबर नाइन, आपके पास फाइव वन आ गया, फाइव टू आ गया, फाइव थ्री आ गया, क्या करें इस संपूर्ण बंद प्लस से निर्गत क्या निकाले, फ्लक्स निकाल लेते हैं। तब संपूर्ण बंद प्रस्थ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, फाइ बराबर क्या करें सबको जोड़ देते हैं फ्लक्स कैसी राशि अदिश राशि है, इसीलिए क्या करेंगे फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री। इक्वेशन नंबर टेन वैल्यू पुट करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी सेवन एट, सेवन एट नाइन एंड टेन क्या होगा फाइव बराबर फाइव वन डेल अपॉन डेल यू वन ए वन एस टू डी यू टू एस थ्री डी यू थ्री और ये डी यू वन प्लस डेल अपॉन डेल यू टू ए टू एच वन डी यू वन एस थ्री डी यू थ्री और ये डी यू टू प्लस डेल अपॉन डेल यू थ्री ए थ्री एच वन डी यू वन एस टू डी यू टू और ये डी यू थ्री। इक्वेशन नंबर इलेवन बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, मैं भी एक लाइन और बना देता हूं आगे। यहां से देखना आता हूं फाइव आर में डेल अपॉन डेल यू वन, यहां पर आकलन किसके सापेक्ष हो रहा है यू वन के सापेक्ष हो रहा है, इसी को चलो आगे लिखूंगा मैं। यहां पर आकलन किसके सापेक्ष हो रहा है यू वन के सापेक्ष हो रहा है, मतलब डी यू टू डी यू थ्री क्या है कॉन्स्टेंट, तो इसको मैं बाहर लिख दूंगा। यहां पर अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है U2 के सापेक्ष हो रहा है, मतलब U1 और U3 क्या है कांस्टेंट है तो इनको बाहर, यहां अवकलन U3 के सापेक्ष हो रहा है इसका मतलब U1 और U2 क्या है कांस्टेंट, इनको बाहर लिखेंगे अपन, ठीक है। तो मैं आगे लिखता हूं इसी को मिटा के, देखो क्या आएगा यहां से अपने पास फाइव बराबर डेल अपॉन डेल यू वन ए वन एच टू एस थ्री, ए वन एच टू एस थ्री, मैंने डी यू वन डी यू टू और डी यू थ्री कॉमन ले लिया उधर बाहर अभी लिख दूंगा, प्लस डेल अपॉन डेल यू टू ए टू एच टू सॉरी ए टू एच वन एस थ्री, देखो ए टू एच वन एस थ्री प्लस डेल अपॉन डेल यू थ्री ए थ्री और ये एच वन एच टू, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं डी यू वन डी यू टू और डी यू थ्री को कॉमन ले रहा हूं, इसको मैंने क्या किया इक्वेशन नंबर 11, ठीक है बच्चों। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर देखो वन टू एंड इलेवन, क्योंकि डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर क्या था फाइव अपॉन डीवी, तो मैंने फाइव निकाल लिया, डीवी समीकरण दो में था मेरे पास, वैल्यू पुट करो मैं तो क्या होगा डाइवर्जेंस ए वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या था फाइव अपॉन डीवी, तो मैं पहले डीवी लिख देता हूं वन अपॉन डीवी था क्योंकि अपॉन में, तो एच वन एच टू एच थ्री डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री, ठीक है। और यहां से देखना डेल अपॉन डेल यू वन ए वन एच टू, यहां पर क्या गड़बड़ हुई ए वन ये एच टू एच थ्री, ठीक है। तो ये ए वन एच टू एच थ्री प्लस डेल अपॉन डेल यू टू ए टू एच वन एच थ्री प्लस डेल अपॉन डेल यू थ्री ए थ्री एच वन एच टू और ये डी यू वन डी यू टू और डी यू
थ्री, ठीक है। ये डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री से डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री कैंसिल हो गया अपने पास, तो क्या बचा अपने पास, ध्यान देना, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल अपॉन डेल यू वन ए वन एच टू एच थ्री प्लस डेल अपॉन डेल यू टू ए टू एच वन एच थ्री प्लस डेल अपॉन डेल यू थ्री ए थ्री एच वन एच टू, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, डाइवर्जेंस ए वेक्टर, ठीक है। बच्चों आप लोगों को ये याद होना जरूरी है, डायरेक्ट बी क्या है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर क्या, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना, एच वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल अपॉन डेल यू वन फिर ए वन एच टू एच थ्री प्लस डेल अपॉन डेल यू टू ए टू एच वन एच थ्री प्लस डेल अपॉन डेल यू थ्री और क्या ए थ्री एच वन एच टू, ठीक है। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया, डाइवर्जेंस ए वेक्टर का मान निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, कार्तीय निर्देश तंत्र में, गोलीय निर्देश तंत्र में और बेलीय निर्देश तंत्र में ये मान निकालने हैं डाइवर्जेंस ए वेक्टर के। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, सबसे पहले कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करूंगा और फिर बेलीय की और फिर गोलीय की सबसे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक है। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या है, देखो बच्चों कार्तीय निर्देश तंत्र यहां पर देखना, जो H1 है वो कितना होता है 1, H2 कितना होता है 1 और H3 कितना होता है 1। U1 को क्या लिखते हैं अपन, X, U2 को क्या लिखते हैं Y और U3 को क्या लिखते हैं Z। A1 को लिखेंगे बच्चों AX, A2 को लिखेंगे अपन AY और A3 को अपन क्या लिखेंगे AZ, ठीक है। तो यहां से अपने पास देखो डायवर्जेंस ए वेक्टर या डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या आएगा, ठीक से देखना, वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री मतलब वन अपॉन वन यू वन, डेल अपॉन डेल यू वन मतलब डेल अपॉन डेल एक्स और ए वन मतलब ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल यू टू, यू टू का मतलब वाई फिर ए टू, ए टू का मतलब ए वाई, एच वन एच टू एच वन एच थ्री कितना है वन है तो ये ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल यू थ्री, यू थ्री का मतलब जेड और ए थ्री का मतलब ए जेड। तो आपके पास जो डाइवर्जेंस ए वेक्टर या डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर है वो कितना आ गया, डेल ए एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो ये किसकी बात होगी, कार्तीय निर्देश तंत्र की बात हो गई, ठीक है। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, बेलीय निर्देश तंत्र की बात करेंगे, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, नोट्स अवेलेबल करा देंगे हम आप लोगों को, उसमें से लिख लेना यहां पर, फिलहाल समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं सेकेंड बेलीय निर्देश तंत्र, H1 कितना 1, H2 कितना रो, H3 1, U1 क्या है रो फाइ Z, A1 को एरो, A2 को ए फाइ, A3 को AZ। तो निकाल अपन डाइवर्जेंस A वेक्टर बराबर डेल वेक्टर डॉट A वेक्टर बराबर 1 अपॉन एच वन एच टू एच थ्री वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन
रो, डेल अपॉन डेल यू वन मतलब डेल अपॉन डेल रो, ए वन ए रो, एच टू रो, एच थ्री वन प्लस डेल अपॉन डेल यू टू, यू टू का मतलब फाइव, फिर ए टू, ए टू का मतलब ए फाइव, वन और एस थ्री, एच वन एस थ्री कितना है वन है, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, ए थ्री मतलब एच जेड, एच वन वन, एच टू कितना रो, ये कोष्टक बंद, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर, ये वन अपॉन रो से पूरी समीकरण को इंटू कर दूं मैं, वन अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो और रो ए रो प्लस वन अपॉन रो डेल ए फाइव अपॉन डेल फाइव प्लस, ये ध्यान देना यहां पर रो से रो नहीं कटेगा क्योंकि रो के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, जबकि यहां रो से रो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जेड के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो रो क्या है यहां पर कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा अपने पास डेल एज अपॉन डेल जेड, ठीक। तो ये क्या आ गया अपने पास बेलिन निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस ए वेक्टर का मान आ गया। इसी तरह से मुझे क्या करना है गोलीय निर्देश तंत्र में बात करनी है, ठीक है, तो मैं आप गोलीय निर्देश तंत्र की बात कर लेता हूं। देखो यहां पर इनको मिटा दूं मैं, हाँ एच वन कितना होता है वन, एच टू कितना आर, एच थ्री कितना आर साइन थीटा, यू वन कितना आर थीटा फाइव, ए वन ए आर, ए टू ए थीटा, ए थ्री ए फाइव। तो यहां पर बात करें डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री मतलब वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, डेल अपॉन डेल यू वन मतलब डेल अपॉन डेल आर, ए वन ए आर, एच वन सॉरी एच टू, एच टू का मतलब आर, एच थ्री मतलब आर साइन थीटा मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस डेल अपॉन डेल यू टू, यू टू का मतलब थीटा, ए टू, ए टू का मतलब ए थीटा, एच वन मतलब वन, एच थ्री का मतलब आर साइन थीटा प्लस डेल अपॉन डेल आर थ्री सॉरी यू थ्री, यू थ्री का मतलब फाइव, फिर ए थ्री मतलब ए फाइव, एच वन वन, एच टू कितना आर, ठीक है। कैलकुलेट कर ले इसको अपन, तो वन अपॉन आर स्क्वायर में सबसे इंटू कर रहा हूं, तो ध्यान देना यहां आर के सापेक्ष अवकलन है इसलिए आर स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, साइन थीटा आसानी से डिलीट सॉरी साइन थीटा आसानी से कट जाएगा, तो वन अपॉन क्या आया आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, और क्या यहां से देखो ये आर स्क्वायर और ए आर प्लस वन अपॉन आर, यहां थीटा के सापेक्ष हो रहा है साइन थीटा नहीं कटेगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा और ए थीटा साइन थीटा प्लस वन अपॉन, देखो ये फाइव के सापेक्ष तो एक आर कट जाएगा वन अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है, और क्या आएगा अपने पास डेल अपॉन डेल फाइव ए फाइव, ठीक। तो इस तरह से अपने पास क्या आ गया ये आर स्क्वायर है एक आर, ठीक है, और एच वन एच टू, हाँ इस प्रकार अपने पास बच्चों क्या आ गया ये गोले निर्देश तंत्र में बेले निर्देश तंत्र में, और जो गोले में हो गया बेले में हो गया कार्तीय निर्देश तंत्र में बात होगी, ये अपने क्या निकाल लिया डाइवर्जेंस ए वेक्टर निकाल लिया डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से अपन सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।